नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करेंगे उद्यान विज्ञान की सीरीज में सब्जियों में पाए जाने वाले रसायनों के बारे में। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टमाटर का लाल रंग किस रसायन के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग किस रसायन के कारण होता है, या आप मान लीजिए कि मूली में चरपराहट या तीखापन किस कारण होता है, और जहाँ तक बात करें हम मिर्च की, मिर्च का लाल रंग और मिर्च में जो तीखापन होता है उससे संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन है। सारे कन्फ्यूजन दोस्तों आज हम क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों टमाटर से, और जैसे ही हम टमाटर की बात करते हैं दिमाग या हमारा जो सिस्टम है हमें माइंड में एक कलर क्लिक करके देता है, लाल रंग। तो हम शुरुआत करेंगे टमाटर के लाल रंग से, और बात की जाए टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, याद करना बड़ा आसान है, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम है, और इसका लाल रंग लाइकोपीन नामक रसायन के कारण होता है। अब दोस्तों हम बात करें अगली, कुछ वेराइटीज़ में टमाटर के पीले रंग का होना पाया गया है, तो टमाटर में पीला रंग किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण पीला रंग पाया जाता है। और अगली बात करें टमाटर से संबंधित, तो क्वेश्चन पूछा हुआ और पूछा जाता है कि टमाटर में हानिकारक रसायन कौन सा पाया जाता है, तो टमाटर में जो हानिकारक रसायन पाया जाता है उसे टोमेटोइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगली बात करते हैं गाजर की, गाजर की भी मुख्यतः दो रूप में पाई जाती है, दो रंग में पाई जाती है, या तो वो होगी लाल रंग की या होगी पीले रंग की। तो दोस्तों अगर हम बात करें गाजर के लाल रंग की, तो गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। और अगर हम बात करें गाजर के पीले रंग की, तो कैरोटीन के कारण होता है, बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ हमने पढ़ा था विटामिन में 3150 IU गाजर में क्या होता है, विटामिन ए होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पीला रंग होता है बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। तो कोई पूछ ले कि गाजर का पीला रंग किस कारण पाया जाता है, तो कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। अब बात आती है बैंगन का जो बैंगनी रंग होता है वो किस कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। दोस्तों जहाँ तक पढ़ा है और जहाँ तक देखा है, जितने भी पिगमेंटेशन है अगर कोई स्पेशल होगा और नहीं होगा तो जितने भी पिगमेंटेशन है वो फिर एंथोसाइनिन के कारण होते हैं, एंथोसाइनिन के कारण ही वो कलर होते हैं। तो मुख्यतः तो नहीं, सभी में नहीं, लेकिन मुख्यतः जितने भी पिगमेंटेशन होते हैं वो एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। अब हम बात करें कि बैंगन में हानिकारक रसायन कौन सा पाया जाता है, तो सोलोसिडीन नामक रसायन इसमें पाया जाता है, सोलेनेसी कुल का है ये, सोलेनम मेलोंजना इसका नाम है, याद रखना आसान होगा आपके लिए। सोलेसिडीन नामक रसायन जो पाया जाता है वो बैंगन में पाया जाता है, बैंगन का हानिकारक रसायन है। अगली बात करें दोस्तों मूली में तीखापन, मूली में तीखापन या मूली के चरपराहट के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूली में तीखापन किस रसायन के कारण पाया जाता है, या मूली में तीखा चरपराहट किस कारण पाई जाती है। तो या तो दोस्तों आपको दिया हुआ मिलेगा थायोसाइनेट, सीधा सीधा दिया होता है एग्जाम में क्वेश्चन में थायोसाइनेट, या फिर दिया होगा पूरा आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन पाया जाता है। अगली हम बात करें अरबी का कसेलापन, अरबी की सब्जी खाई होगी दोस्तों, कुछ अजीब सा कसेलापन होता है, किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति के कारण ये कसेलापन पाया जाता है। अगली हम के बाद हम बात करें बीन्स या सेम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फेजियोलिन प्रोटीन पाया जाता है। सेम की प्रोटीन के बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे मिर्च की, और मिर्च में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है, मिर्च में लाल रंग किस कारण होता है, मिर्च से कौन सा रसायन प्राप्त होता है। यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन है, छोटा सा एक डिस्टेंस या एक शब्द बदलेगा उसका आंसर बदल जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ देश में या भारत में पूरी मिर्च का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, या हर मसाले का उपयोग हमारे पूरे रूप में, या आप उसके बाद में अगर पिसा हुआ मसाला भी माने तो पूरा उपयोग किया जाता है। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वो मसालों का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, कुछ न कुछ केमिकल फॉर्म यहाँ वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जैसे आप गार्लिक का एक्सट्रैक्ट कह दीजिए, मिर्च का एक्सट्रैक्ट कह दीजिए, केवल वो लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। तो जो आउटर कंट्रीज में तीखापन लाने के लिए जो रसायन प्राप्त होता है मिर्च से कौन सा रसायन निकाला जाता है या कौन सा रसायन प्राप्त होता है, तो वो जो रसायन होता है वो दोस्तों ओलियोरेजिन नामक रसायन पाया जाता है, जिससे तीखापन हम क्रिएट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिर्च से कौन सा रसायन प्राप्त किया जाता है, तो ओलियोरेजिन प्राप्त किया जाता है। ले अब बात आती है वास्तविक कन्फ्यूजन की, मिर्च का लाल रंग और मिर्च का तीखापन, थोड़ा सा ही फर्क है दोस्तों,
कैप्सिकम, इसकी अब बोटनिकल नेम की बात करें तो कैप्सिकम स्पीसीज नाम आता है इसका, और इसी से ये दोनों केमिकल शुरू होते हैं। और अगर मिर्च के लाल रंग की बात करें दोस्तों, कैप्सेंथीन के कारण, ध्यान से सुनना दोस्तों, कैप्सेंथीन के कारण मिर्च का लाल रंग पाया जाता है। और मिर्च का तीखापन किस कारण पाया जाता है? कैप्सेसिन के कारण पाया जाता है। थीर सी में याद रखना हो तो जब भी आपने तीखी मिर्च खाई होगी या बहुत तीखा खा लिया, एक मुंह से जो ससराहट निकलती है, जो सी निकलता है, उसी सी से आप याद रख सकते हैं कि कैप्सिकम में जो तीखापन आता है कैप्सेसिन के कारण होता है, और जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथीन के कारण होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें सलजम में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण सलजम में चरपराहट या तीखापन पाया जाता है। अब बात करते हैं आलू में हरे रंग की, और आलू में हरा रंग किस कारण पाया जाता है दोस्तों, तो सोलेनम मेलोंजना, इसका नाम सोलेनेसी कुल का ये पौधा है, इसीलिए इसमें सोलेनिन नामक हरा रंग पाया जाता है। सोलेनिन नामक हरा रंग पाया, हरा रंग का रसायन पाया जाता है। होता है क्या है दोस्तों, अगर आलू में आपने ढंग से मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो जो पार्ट सनलाइट में रह जाता है या सूर्य की किरणों के संपर्क में रह जाता है, वहाँ पे हरे रंग का निर्माण हो जाता है, हरे रंग का निर्माण हो जाता है। और वो हरा रंग क्या होता है, सब्जी जब पकाई जाती है तो पकाने में वो पकता नहीं है, इसलिए उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, हानिकारक रसायन माना जाता है ये। तो कहा जाए कि आलू का हरा रंग किस कारण होता है, तो सोलेनिन के कारण होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्याज की, तो प्याज भी हमें दो रंग में मिलते हैं। अगर प्याज के पीले रंग की बात करें तो क्वेरसिटिन नामक रसायन के कारण प्याज में पीलापन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें प्याज के लाल रंग की, तो एंथोसाइनिन के कारण प्याज का लाल रंग पाया जाता है। और मोस्टली पूछा हुआ क्वेश्चन, हल्दी का पीला रंग किस कारण पाया जाता है, तो कुकुरमिन के कारण पाया जाता है। याद रखने की ट्रिक है, कुकुरमा लोंगा इसका बॉटनिकल नेम है, इसी नाम से याद रख सकते हैं कुकुरमिन। अगली बात करें अदरक में तीखापन, अदरक में दोस्तों जो तीखापन या जो एक विशेष स्वाद होता है वो किसके कारण होता है, तो जिंजरोल नामक रसायन के कारण। और इसको भी बॉटनिकल नेम से आप याद कर सकते हैं, जिंजर बेरेसी कुल का पौधा है, इसीलिए इसे जिंजरोल रसायन पाया जाता है। अगली बात करें दोस्तों पालक में विषैला रसायन कौन सा पाया जाता है, तो पालक में पाए जाने वाले विषैले रसायन का नाम सेपोनिन है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम बात करें प्याज में तीखापन। दोस्तों प्याज और लहसुन का तीखापन बहुत बार पूछा हुआ है, यहाँ से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आराम से याद रखिए, प्याज का जो तीखापन है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नाम से पाया जाता है, प्याज में जो तीखापन। दोस्तों एक चीज़ तो है कि प्याज और लहसुन जिनमें भी दोनों में तीखापन पाया जाता है बल्क क्रॉप्स में, वो सल्फर कंटेंट के पन पाया जाता है, सल्फाइड के कारण पाया जाता है। तो अगर हम प्याज की बात करें तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज का तीखापन पाया जाता है। और अगर हम बात करें लहसुन का तीखापन की, तो एलाइल डाइसल्फाइड के कारण लहसुन का तीखापन पाया जाता है। उसके दोस्तों लहसुन में प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एलीन प्रोटीन पाई जाती है। और लहसुन में ही जीवाणु रोधक तत्व की बात कर ली जाए कि कौन सा जीवाणु रोधक तत्व पाया जाता है, तो एलाइसिन नामक जीवाणु रोधक तत्व पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों पत्ता गोभी में एक तत्व होता है जो कैंसर रोधी तत्व कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पत्ता गोभी में पाया जाने वाला कैंसर रोधी तत्व कौन सा है, तो इंडोल 3-कार्बिनोल नामक जो तत्व पाया जाता है उसे कैंसर रोधी तत्व माना जाता है। दोस्तों एक बार BHU या MP बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है पत्ता गोभी का कैंसर रोधी तत्व कौन सा है, तो इंडोल 3-कार्बिनोल नामक तत्व कैंसर रोधी पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कुष्मांड कुल या कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी सब्जियां हैं उनमें हानिकारक रसायन पूछा जाता है, कौन सा रसायन है, तो कुकुरबिटेसिन के कारण कुष्मांड कुल की सब्जियां, सीधी सीधी मात्रा में बात की जाए तो जो कड़वी होती है कुछ एक दो को छोड़ के, होता तो वो भी यही तत्व है लेकिन उसमें स्पेशल, जैसे हम करेले की बात कर ले तो वहाँ पे फिर अलग आ जाएगा, और भी कहीं बात करें तो वो अलग आते हैं। लेकिन अगर हम कुकुरबिटेसिन की बात करें तो कुकुरबिटेसिन में कड़वापन या हानिकारक रसायन कौन सा होता है, तो कुकुरबिट्स में तो कुकुरबिटेसिन होता है। और अगर हम बात करें कुकुरबिटेसी कुल के ही एक प्लांट
खीरे की, तो खीरे या कुकुम्बर में जो सुगंध होती है वो नोनाडाइनिल नामक रसायन के कारण एक विशेष सुगंध आती है। आपने खीरा खाया होगा, नोनाडाइनिल नामक रसायन के कारण खीरे में एक विशेष सुगंध आती है। अब दोस्तों हमने पत्ता गोभी खाई है, बनाई भी है, देखा भी है। कच्ची जो पत्ता गोभी होती है यानी बगैर पकाई हुई जो होती है उसमें एक विशेष सुगंध होती है, वो एलिन आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। कच्ची पत्ता गोभी में जो विशेष सुगंध होती है वो एलिन आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। और वहीं बात करें पकाने के बाद उसमें एक सुगंध में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, और वो सुगंध किस रसायन के कारण होती है? डाईमिथाइल डाईसल्फाइड के कारण होती है। इनमें भी सल्फर तत्व पाया जाता है, और विशेष जो सुगंध होती है पकाने के बाद वो किसके कारण होती है? डाईमिथाइल डाईसल्फाइड के कारण पत्ता गोभी में विशेष सुगंध पकाने के बाद आती है। उसके बाद दोस्तों बात करें खीरे में जो कड़वाहट होती है, हमने यही बात कर ली थी कुष्मांड कुल में जितनी भी सब्जियाँ हैं उनमें किकर कड़वापन जो होगा वो मुख्यतः कुकरबिटेसिन के कारण पाया जाता है। उसके बाद हम तरबूज में हानिकारक तत्व की बात करते हैं, तो सेरोटोनिन नामक हानिकारक तत्व वाटरमेलन या तरबूज में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तुरई में जो चिकनापन, आपने देख दोस्तों देखा होगा तुरई भले ही कोई सी भी हो गई लेकिन जो घिया तुरई होती है उसमें ज़्यादा तीखापन होता है, चिपचिपापन होता है, और वो जो चिकनापन या चिपचिपापन होता है वो ल्यूफिन नामक तत्व के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तुरई में चिपनापन या चिपचिपापन किसके कारण होता है? तो ल्यूफिन के कारण होता है। उसके बाद हम बात करें करेले की, तो करेले में कड़वापन किसके कारण पाया जाता है? मोमोर्डिसिन के कारण पाया जाता है। मोमोर्डिका चेरेंसिया इसका बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों, तो आप उससे याद रख सकते हैं मोमोर्डिका और मोमोर्डिसिन। तो करेले में जो कड़वापन है वो किस कारण पाया जाता है? मोमोर्डिसिन नामक तत्व के कारण करेले का कड़वापन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें चुकंदर की जड़ों की, तो चुकंदर की जड़ें दो रंग की होती है, या तो उन जड़ों का रंग लाल रंग होगा तो वो किसके कारण होगा? बीटा साइनेंसिस के कारण इसका लाल रंग होता है। और अगर चुकंदर की जो जड़ें हैं वो हल्का पीलापन रंग लिए हैं तो बीटा जेंथिन के कारण चुकंदर में पीला रंग पाया जाता है। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाएं, लाल रंग किसके कारण? बीटा साइनेंसिस के कारण, और पीला रंग किस कारण पाया जाता है चुकंदर का? तो बीटा जेंथिन के कारण पाया जाता है दोस्तों। तो ये आज का जो वीडियो था दोस्तों, सब्जियों में पाए जाने वाले हानिकारक रसायन या जिन सब्जियों में कौन से रंग किस रसायन के कारण पाए जाते हैं उनके बारे में था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो सामग्री जानकारी है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगी।